जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लंगड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, प्रिंसिपल हरिचंद पीजी कॉलेज वाराणसी। सर, किस तरह चुनाव चल रहा है, क्या आज छात्र संघ का चुनाव चल रहा है? कितने वोट पड़े हैं, कितने छात्र हैं? कुल 7501 मतदाता हैं। अभी 11 बजे तक 5.5% वोट पड़े हैं। बरसात हो रही है? हाँ, बरसात की वजह से जो है मतदान प्रतिशत कम रहने की आशंका है। कितने प्रत्याशी खड़े हैं? अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष पर 2 प्रत्याशी, महामंत्री पर 2 प्रत्याशी और पुस्तकालय मंत्री पर 2 प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है बरसात को देखते हुए, कितने वोट पड़ सकते हैं? बरसात को देखते हुए ऐसा लगता है कि मतदान का प्रतिशत काफ़ी नीचा रहेगा। वैसे चुनाव कार्य काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कितने बजे तक वोट चले? 1 बजे तक मतदान। कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कितने लोग? कुल 14 बूथ लगाए गए हैं। कैमरे कितने के हैं? मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? मॉनिटरिंग हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा हर कमरे में लगा हुआ है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं है, आराम से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कार्य। मैं डॉक्टर विजय कुमार राय, एसोसिएट प्रोफेसर विद विभाग हरिश्चंद पीजी कॉलेज वाराणसी। मैं छात्र संघ चुनाव 2019-20 का मुख्य चुनाव अधिकारी हूं। आज महाविद्यालय में 14 बूथों पर मतदान चल रहा है। करीब 7501 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। हमारे 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य पदों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और पुस्तकालय मंत्री पर 2-2 प्रत्याशी हैं। प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। लिंग दो समिति की सिफारिशों के अनुसार ही चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। कितने प्रत्याशी हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, छात्र संघ चुनाव ये पहली सीढ़ी है राजनीति की। इसको गरिमापूर्ण तरीके से चुनाव हो, मतदान हो। और देखिए, पिछली बार अभी देखते थे कि लोग जमीन पे लौट जाया करते थे। इस बार ये प्रयास हमने किया है जाली लगवा के कि आप गरिमापूर्ण तरीके से अपने मत को मांगिए, मतदाता अपने मतों का प्रयोग करें। कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? हमारे महाविद्यालय में हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे हैं। गेट पर सीसीटीवी कैमरा है। हम अपनी कॉलेज की व्यवस्था से वीडियोग्राफी करा रहे हैं। प्रशासन ने भी अपनी, पुलिस प्रशासन ने भी अपनी वीडियोग्राफी करवा रही है, हम भी करवा रहे हैं। मेरा नाम श्रुति यादव है, मैं BSc फर्स्ट ईयर BZC ग्रुप की स्टूडेंट। किस तरह का वोट पड़ रहा है, क्या उद्देश्य वोट देने का? उद्देश्य यही है कि वोट दें और लोग काम करें, कॉलेज का विकास करें, गुंडागर्दी खत्म करें। किस तरह गुंडागर्दी होती है, क्या विकास चाहिए इस कॉलेज में? कॉलेज में विकास यही चाहिए। सबसे पहले हम तो अपने जो भी जीतता है, किसी भी पैनल से जो भी जीतता है, इस हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जीतने वाले से हमें बस एक ही वो है कि एक गेट पे गार्ड लगाएं, जिससे कि आई कार्ड, जो जिसके पास आई कार्ड हो सिर्फ उसको ही एंट्री मिले। प्रचार, छात्र संघ सब कुछ ठीक है, सब कुछ करे, किसी चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन छात्र संघ जो स्टूडेंट है वो प्रचार करे। छात्र संघ में लोग बाहर से आ रहे हैं, प्रचार करें, ये सब क्या है? जिसके पास आई कार्ड है वो आए, पढ़े, प्रचार करे, सब कुछ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाहर के लोग कॉलेज में ना आए। जो भी जीतेगा, जिस चाहे इधर के पैनल छात्र सभा से कोई जीते, चाहे महाजन सभा से जीते, चाहे AVP, हमसे इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी जीते, कॉलेज का विकास देखे कॉलेज का। हेलो सर, नमस्कार, माय नेम इज स्मृति विश्वकर्मा, आई लिव इन मढ़ियापड़ा, चंदौली। किस तरह की वोटिंग के लिए, क्या उद्देश्य है वोटिंग? सर, उद्देश्य देने का वोट तो हमारा सही है, बट सर यहाँ वोटिंग देने का कोई मतलब नहीं है। बताइए, पहले तो बोला गया है कि आपके घर गाड़ी भेज रहे हैं, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर यहाँ पे आए तो लोग बदतमीजी से, जो बाहर बैठे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि आपके कार्ड पे सिग्नेचर नहीं। तो ये आपको पहले बताना चाहिए ना, अगर आपको वोट लेना है तो कोई मतलब ही नहीं है, बदतमीजी से बात करके भगा दे रहे हैं ये लोग। बताइए, हम लोग आ भी रहे हैं इतने बारिश में, इतने दूर से हम लोग आए भी हैं, तो कम से कम एक सर यहाँ पे बाहर अवेलेबल होना चाहिए कि अगर बच्चों का साइन नहीं है तो कम से कम साइन तो किया जाए, अंदर जाने का मौका मिले। हम लोग वोट किस लिए कर रहे हैं, कि हम लोग के कॉलेज का विकास हो, और वही हम लोग का रोका जा रहा है यहाँ पे, बदतमीजी से बात किया जा रहा है। चलो चलो निकलो, हम लोग जानते हैं हम लोग वोट देंगे तो हम लोग कुछ मिलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं हम लोग का वोट देने का। पता है, आज वोट लेंगे, कल के बाद शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, पहले भी लोग देख चुके हैं। क्या उद्देश्य था आपका? उद्देश्य कॉलेज का विकास हो, हम लोग हम लोग ऐसे लेके आ रहे, पूछे हमको जीत रहे तो हमारा तो विकास करे, जब तक हम है कॉलेज में हमारा विकास होगा, कॉलेज का विकास खुद होने लगेगा। कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे रहेंगे, विकास खुद ब खुद होने लगेगा, बट वो लोग चाहे नहीं रहे। पहले जो टीचर बाहर खड़े हैं, बदतमीजी से भगा देने, आप लोग यहाँ से निकलिए, कोई मतलब है? बताइए, कौन कैसे बात करेगा? Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8.
मैं अखिलेश पाल यहाँ से पूर्व में महामंत्री पदस्थी चुनाव लड़ा हूँ। चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से मौसम इतना ख़राब है कि वोटिंग इस बार बहुत कम होगी और एक नया इस बार इतिहास बदलेगा, क्योंकि यहाँ जितने समर्थक जिसके जो इस बार जिसके टीम से जितने समर्थक होंगे वोटर होंगे बाहरी लोग को छोड़कर जिनके अधिक सपोर्टर होंगे वही चुनाव जीतेगा जी। चुनाव में हर पद पे एक एक दो दो प्रत्याशी खड़े हैं, सीधी सीधी लड़ाई है और चुनाव बहुत इस बार बहुत शांति तरीके से हो रहा है। होरीलाल गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र की कॉलेज। चुनाव रहा है, इस चुनाव का उद्देश्य क्या होता है? जैसा कि जाने कि हर वर्ष बात इस बार भी चुनाव हुआ है और इस बार चुनाव काफ़ी एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, जो कम से कम परसेंटेज वोट पड़ेगा क्योंकि इतना ठंडी होने के कारण, इतना बरसात होने के कारण लड़की लड़के बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे हैं। जिनके जिसके जो भी समर्थक हैं, जिसके जो छात्र नेताओं को चाहने वाले हैं, बहन बेटी भाई लोग वोट देने वाले हैं, जिनके समर्थक हैं वोट देने जरूर आ रहे हैं। और इस बार की इतिहास ज़्यादा वोट से नहीं है, हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा 100-150 के अंतराल में हार जीत होते हैं और हर पद पर एक एक लोग खड़े हैं, इस बार भी उस बार भी। आपको खड़े हुई है वहाँ पे, सभी लोग बाहर निकल जाए, निकलिए बाहर, निकलिए। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी।